बहुत ही ईमानदार ते सच्ची सुची शख्सियत दे मालिक सन स्वर्गीय श्री चंद्र प्रकाश मल्होत्रा जी। श्री चंद्र प्रकाश मल्होत्रा जी बहुत ही चंगे सहनशीलता वरती वाले इंसान सन। परमात्मा दे घर प्रति सच्ची श्रद्धावान सन। हर एक गरीब दीन दुखी दी मदद करना आप जी दा सुभा सी। आप जी दे कीरत ते चंगे संस्कारां दा लाया बूटा मौजूदा समय विच वी आप जी दे परिवार विच प्रफुल्लित हो रहा है। बीते दिन श्री चंद्र प्रकाश मल्होत्रा जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए पंजा तत्तां विच लीन हो गए। इन्हां दे परिवार वालों इन्हां दी आत्मिक शांति लई रखे गए गरुड़ प्राण पाठ जी दे भोग 6 सितंबर दिन ऐतवार लॉयंस भवन उधम सिंह नगर लुधियाना विखे पाए गए, जिस विच पंडित जी वालों जीवन अते मौत दीआं सच्चाईआं बारे चानणा पाया अते सभना संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे दर्साए हुए मार्ग ते चलण दी सिख्या दित्ती। श्री चंद्र प्रकाश मल्होत्रा जी अपने पिछे अपने समूह परिवार नूं सदीवी विछोड़ा दे गए। इन्हां दे परिवार वल्लों दुख विच इकत्र हुई सारी संगत दा तहे दिलों धन्नवाद कीता गया। उत्पन्न होने वाली सभी समस्याओं को समाधान हेतु धैर्य पूर्वक विवेक के साथ करने वाले काकोता का मार्गदर्शन हमें मिलता रहा। परिवार के अलावा समाज में भी जलने वाले अंगारे देखते ही देखते बुझ जाते हैं जलने वाले। श्री जितेंद्र जी चौड़िया से, कृपया हम थोड़ा सा लेट हो गए, समय का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए। श्री जितेंद्र जी चौड़िया हमारे चोरडिया परिवार के रतन हमारे काकोता रायचंदी चोरडिया का सरोदवास हमारे परिवार के बाते हमें बहुत प्रेम और उत्साह देती। वह जिंदा दिन इंसान थे, मुझ पर उनकी काफी स्नेह था। समय समय पर प्रेरणा तथा प्रोत्साहन और उस समय एक तारीख को काको जी से बात हुई, जी तो तुमने ये चौका चलाकर चोरडिया परिवार में एक नया कार्य शुरू किया है, आशा करते हैं। एक बार फिर काकोता के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम मदन। अब मैं मुनि उदित कुमार जी का संदेश पढ़ रहा हूँ। भूमि लुधियाना में देव कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्तित्व जिनके जीवन से हम कईयों को सीख लेनी चाहिए, जिनके जीवन को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हुए हम अपने जीवन में उनकी कई विशिष्ट बातों को अपना जीवन समर्पित करवा रहे हैं। श्री जीवन मुझे बड़ी अत्यंत प्रसन्नता होती। और जाते जाते अभी जब उन्होंने अपने सभा का पद छोड़ा, तो सभा का पद तो उन्होंने पीछे 5 बार पहले भी छोड़ा था, लेकिन इस बार जो उन्होंने सभा का पद छोड़ा तो उन्होंने अपने अंतर उद्गार अपने मन के उद्गार अच्छे दिन हुए। मेरी बातचीत कमल जी से, धीरे जी से और अभिराज सिंह जी से सबसे होती रहती थी। मैं पर उनके बारे में पूछता रहता था,
एक रोज तो मैं बहुत ही भावुक हो गया, जिस रोज धीरज जी ने मेरे को ये कहा कि वो किससे बात नहीं कर रहे, मौजी आप उनको फोन करो, वो आपकी आवाज सुन के जरूर खड़े। लेकिन मैं इतना भावुक था, मैं दूसरी तरफ सोचने वालों की तरह सोचने लग गया कि कहीं उनका विश्राम का यही समय ना हो और मैं उनको आवाज दे के उठा दूं तो खलल पैदा ना हो जाए। लेकिन आज मुझे इस बात का मलाल है, दुख है कि जब भी मैं उनको आवाज देता तो शायद वो उठकर खड़े हो जाते, क्योंकि तो मेरा मन मान ही रहा था कि रायचंद जी इतनी जल्दी इस दुनिया से चले गए। यही प्रार्थना करता है कि प्रभु उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। उनके प्रार्थनाओं हमारे सभी के प्रिय श्रीमान धीरज जी सेठिया हम सब और लोगों के सामने है। ऐसे दामाद तो किस्मत वालों को ही मिलते हैं। उन्होंने अपने सारे परिवार को अपने धर्म संघ के साथ जोड़े रखा। इसके साथ साथ हमारे आदरणीय श्री कमल जी को कितना आघात लगा होगा ये हम सोच भी नहीं सकते। मैं अपने लुधियाना सभा के सभी श्रावक भाई बहनों को बार बार अनुरोध करूंगा। पहले तो कमल जी हमें साथ लेकर चलते थे, लेकिन अब हमें उनको साथ लेकर चलना होगा। नमो उबध्यायानम नमो दोये सब साहूणम ईशो पंच नमोकारो सब पाव पनाशनो मंगलानं च शब्देषु पद्मं भवहि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जान अरहंते शरणं पवज्जान सिद्धे शरणं पवज्जान साहु मंगलम तेरा पंथोस्तु मंगलम विघ्न हर मंगल कर
जन्म और मृत्यु, जन्मदारी प्राणी की जीवन यात्रा की समाप्ति ही मृत्यु कहलाती है। सरदार से निवासी लुधियाना प्रवासी रायचंद जी चौरड़िया कोरोना की वजह से दिवंगत हो गए हैं, ऐसी जानकारी मिली है। चौरड़िया जी कई वर्षों से सभा के उपाध्यक्ष थे, संघ पति के प्रति समर्पित थे। उन्होंने लगभग 10 वर्षों तक लुधियाना सभा के अध्यक्ष पद का दायित्व संभाला। लुधियाना सड़क समाज उनकी सेवाओं से प्रभावित था। उनके निधन से चौरड़िया परिवार की तो क्षति हुई है, लुधियाना का तेरापंथी समाज भी एक जागरूक कार्यकर्ता की क्षति का अनुभव कर रहा है। श्वेता को टाला नहीं जा सकता, इसीलिए पारिवारिक जन धैर्य एवं मनोबल धारण करें। दिवंगत आत्मा के आध्यात्मिक विकास की मंगल कामना। हैदराबाद 3 सितंबर 2020 शादी कलक पड़वा। अब मैं आमंत्रित करूंगा रायचंद जी आदरणीय रायचंद जी चौरड़िया के सुपुत्र श्री रूपेश जी चौरड़िया से, कृपया वो आए और उनके जीवन की और उनके जीवन के बारे में अपनी संभव अपनी सद्भावना रखें। आदरणीय रायचंद जी चौरड़िया के सुपुत्र श्री रूपेश जी चौरड़िया। आराध्य देव के चरणों में नमन। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज हम सभी मेरे पिताजी की स्मृति सभा के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज हम सभी मेरे पिताजी की स्मृति सभा के लिए इकट्ठे हुए हैं। बिट्टू ने फोन और आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज हम सभी मेरे पिताजी की स्मृति सभा के लिए इकट्ठे हुए हैं। मूल रूप से सदाशहर निवासी मेरे पिताजी का बचपन सदाशहर में ही बीता। उन्होंने सदाशहर में ही अपनी स्टडी पूरी की, वहीं पर से कामकाज के लिए वो अमृतसर आ गए। वहां पर उन्होंने ईस्ट इंडिया ज्वाइन की। वो अपने काम में इतने निष्ठावान और अग्रसर थे कि कुछ ही दिनों में ईस्ट इंडिया में उनको ऊंचा पद प्राप्त हो गया। उनके काम करने की शैली इतनी जबरदस्त थी कि कुछ वर्षों में ट्रांसपोर्ट का काम बड़ी तेजी से बढ़ाया और अमृतसर ट्रांसपोर्ट के प्रेसिडेंट बन गए। कुछ वर्षों बाद अमृतसर में आतंकवाद का माहौल बना, उस कारण हम लोग सभी परिवार के साथ लुधियाना शिफ्ट हो गए। यहाँ पर भी आने के बाद उनकी कार्यशैली इतनी जबरदस्त थी कि वे कुछ ही समय में पूरे पंजाब हरियाणा राजस्थान के एक उच्च पद पर विरासित हो गए। उनकी शख्सियत के बारे में क्या बताऊं मैं, वो कहीं पर भी पहुंचते एक अलग ही एहसास होता। उनकी एक ऐसी शख्सियत थी कि वो ना रुकने वाले में से थे ना थकने वालों में से थे, केवल चलना चलना और चलना और सभी को अपने साथ लेकर चलना। सामाजिक कार्य महाराज जी के कार्यों में कहीं पर भी हम देख लें, हर काम के लिए वो हमेशा अग्रसर रहना, नया ऊर्जावान रहना, समाज को हर किसी को अपने साथ लेकर चलना उनका एक आदत थी। वो सेवाभावी भी इतने थे कि एक छोटी सी घटना आपको बताता हूँ। अभी लॉकडाउन के दौरान वो अपनी इस बात के लिए इतने एग्रेसिव थे, वो इतने हेल्पफुल थे कि मैं एक बार वो अपने ऑफिस के किसी स्टाफ की तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के बाद वो उसको अपने साथ अपने गाड़ी में बिठा के डॉक्टर के पास ले गए और मुझे ये बात पता लगी तो मैंने उनको बोला, पापा आप क्या कर रहे हो, इस माहौल में आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। तो उनका कहना था, बेटा अगर ऐसे सब लोग सोचने लग गए तो कोई किसी की सहायता ही नहीं करेगा। आज मैं ये सब कर रहा हूँ
मेरा ऑफिस का आदमी है, आज मैं ही अपने ऑफिस के आदमी की चिंता नहीं करूंगा तो कौन करेगा। उनकी इस बात को सुनकर मुझे ऐसे लगा कि इस उम्र में अगर ये इतना दौड़ भाग कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, ऐसी उनकी भावना थी। वो इतने एग्रेसिव थे कि मैं बता नहीं सकता। 20 सालों में समाज के 20 सालों में समाज के 6 बार वो प्रधान पद पर रहते हुए पूरे समाज को, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, बड़े के साथ बड़े, उनकी दोस्ती पक्की थी। हर काम का उनका जो भी काम करना पक्का करना। ऐसे ही मेरी माता श्री हर वक्त, हर इनकी जोड़ी हर वक्त तैयार रहती थी। कोई समाज का कार्य हो, महाराज के जाना हो, गोचरी करनी हो, कुछ भी करना हो, हर वक्त तैयार रहना, किसी भी काम के लिए पीछे नहीं हटते थे। उनको देखते हुए मैं अपने उनकी प्रेरणा को समझते हुए मैं इस सारे उन चीज़ों को अपने अंदर लाने की कोशिश करूंगा। यही मेरी सबसे बड़ी उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। लास्ट में देखते ही देखते छुप जाते हैं जलने वाले अंगारे, देखते ही देखते बुझ जाते हैं जलने वाले अंगारे। जन्म के साथ जुड़ा है मरण, जन्म के साथ जुड़ा है मरण। इस समिति सभा में सभी भाइयों, बंधुओं, बहनों, माताओं सभी को धन्यवाद देता हूं कि वो हमारी इस समिति सभा में हम सभी के साथ जुड़े हैं और सभी अपनी सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति देंगे इसी भावना के साथ। ओम वर गिरीश बोल रहे निवेदन कर रहा हूँ देश भ्राता के सुपुत्र श्री जितेंद्र जी तोड़िया से। कृपया हम थोड़ा सा लेट हो गए, समय का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए। श्री जितेंद्र जी तोड़िया जितेंद्र जी तोड़िया श्री देश भ्राता के सुपुत्र श्री जितेंद्र जी कुमार जी एवं संतों को सत्यवंदन उपस्थित सभा जय जय। हमारे चोरडिया परिवार के रतन हमारे पापोसा रायचंद जी चोरडिया का सर्वद्वार हमारे परिवार के लिए बड़ा ही दुखद क्षण है। पिताजी काकोसा बाबोसा चारों भाइयों में काफी प्रेम रहा, चारों भाइयों में हमारे परिवार के चार खंभे रहे, चारों भाइयों में एक भाई का बिछो हो गया। सरदार सेन में जब भी जाना होता, छोटा बड़ा कार्य होता, काकोदा काकी साहब बातें हमें बहुत प्रेम और उत्साह देती। वह जिंदा दिल इंसान थे, मुझ पर उनकी काफी स्नेह था, समय समय पर प्रेरणा तथा प्रोत्साहन। और उस समय एक तारीख को काको जी से बात हुई, उन्होंने कहा जीतू तुमने ये चोखा चलाकर चोरडिया परिवार में एक नया कार्य शुरू किया है, आशा करता हूँ सभी परिजन इसे आगे बढ़ाते रहेंगे। काकोता की ये बात गुरु के प्रति श्रद्धा धर्म संघ के प्रति लगाव अटूट था। 10-12 दिन पहले बोले ये तो रायचंद जी को बहुत भाती हुई। हमारे कचोरी के शौकीन हसमुख जिंदा दिल श्रद्धा करते हैं। एक बार फिर काकोसा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम मरम। अब मैं मुनि उदित कुमार जी का संदेश पढ़ रहा हूँ। चोरडिया को अपनी कर्म भूमि लुधियाना में देव आसन ने पूरे प्रांत को झकझोर दिया। पहचाना नाम रहा मंत्री मुनिवर के 2009 के चाकू बीच में
परिवार के प्रत्येक सदस्य के सुख दुख में हमेशा साथ है आने वाले तथा परिवार में उत्पन्न होने वाली सभी समस्याओं को समाधान हेतु धैर्य पूर्वक विवेक के साथ करने वाले काकोटा का मार्गदर्शन हमें मिलता रहा। परिवार के अलावा समाज में भी पूर्व धर्मसंघ के कार्य करते थे, निष्ठा के साथ करते थे। बचपन से ही साहसी, निर्दय, दयालु, सेवा भावी था, आज्ञाकारी था। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इस दुनिया में अलविदा होने के बाद अपने पीछे अपना एक फेसबुक पर ना टीवाईपी पर लिंक बोलो, फेसबुक पर ना टीवाईपी पर लाइव आ रहा है, लिंक भेज देते हैं आपको दोबारा। अपनी सेवा दी, क्योंकि जब भाई रूपेश ने हमें बताया कि गुरुदेव महाश्रमण जी, महाश्रमणी कल्पवा जी और अन्य जगह से साधु साधियों के संदेश और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के संदेश आए हैं और उनको पढ़ने में वाचन करने में 2 घंटे का समय लग जाएगा, ऐसे व्यक्तित्व का परिचय क्या दे जो एक संस्था से, सिर्फ और एक संस्था से 50 साल तक जुड़े रहे। ईस्ट इंडिया ट्रांसपोर्ट कंपनी में अल्प आयु में एक गर्व है ऐसे शख्स पर जिन्होंने बिना दाग के 17 साल तक एक ही कंपनी में सर्विस की। हमें ऐसे व्यक्ति पर सर बहुत बड़ा गर्व। अपने निवेदन एक एक भैया साहब से, एक एक भैया जैसे मैं निवेदन करूंगा श्रीमान संदीप जी को आदरणीय चौड़िया साहब हमारे को छोड़कर परमात्मा में लीन हो चुके। आज हम उनकी यादें, उनको अपने मन से श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसा कि कमल जी ने उनके विषय में 71 से लेकर के उनके जीवन की यात्रा आज तक की बताई, मैं
सभी को बता देना चाहता हूँ कि मेरा वैसे तो सामाजिक तौर से मैं उनको काफी देर से जानता था, लेकिन 2014 में जब गुरुदेव पंजाब यात्रा पर पधारे तब भाई कमल जी नौलखा का मेरे सर पर बहुत हाथ रहा, मेरे को इन्होंने सेवा का मौका दिया। तब रायगंज की चौड़िया भी उस समय हमें बीच बीच में यात्रा में आकर के बहुत संभालते, जब भी कभी उनसे मिलना होता मैं कैसे बताऊं कि उनका चेहरा इतना हंसमुख था, बस बात करते तो हंसते ही रह गए। जो पीछे बोल दी मैंने कमल जी से भी कहा और राजगंज की चौड़ियों से भी निवेदन किया कि आपका चरण सिंह द्वारा संदीप कोठारी जो बर्दहस्त है वो हमारे सर पे होना चाहिए। हाँ हाँ, संदीप कोठारी चौड़िया जी की आवाज मैं आज आपको कैसे सुनाऊं। उन्होंने कितने बड़ी बात से मेरे को हौसला दिया, केवल तुम चिंता मत कर, मैं तन मन धन से पूरे परिवार सहित तेरे साथ हूँ, कमल जी मेरे साथ हैं। उन्होंने ये भी मेरे को हौसला दिया, आज उनकी बातें जब याद करते हैं तो मन में ऐसा लगता ही नहीं कि वो हमारे बीच में है। भाइयों, वो एक ऐसी शख्सियत थी, मैं उनके लिए ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन एक छोटी सी बात कहे बिना जूम आईडी पर अपना नाम क्या लिखा हुआ है, जैसे फूल में खुशबू होती है, लिखा हुआ है नाम उसका आपका आधा नाम खुशबू होती है, वो खुशबू तो फूल में ही रहेगी लेकिन वो फैलेगी कैसे, उसको फैलाने वाला कौन है, लिखा हुआ है कह रहे हैं जब पवन चलती है तो खुशबू फैलती है। उसी तरह से हमारे रायगंज की चौड़िया पवन की तरह से जब कोई हमारे पंजाब से बात उठती समाज के लिए कुछ कार्य करना है तो रायगंज की चौड़िया भाई साहब एक पवन की तरह आगे आते, पूरे समाज को साथ लेकर साथ चलते और कहते मैं आपके साथ, और हमने इसी भरोसे से ये कार्य प्रारंभ किया था कि हमारे साथ रायगंज की चौड़िया हैं, मान लो कभी गुरुदेव के जाना है, कहीं भी कोई हालात ऐसे में कोई बात करनी है तो हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत थी जो वे जोर शोर से आगे होकर के बोल सकते। तो अब ज्यादा समय ना लेता हुआ मेरा उनके परिवार के प्रति पूरी संवेदना है, भाई रुपेश जी से मैं हाथ जोड़कर बेनती करूंगा कि वो अपने पापा जी की जो ये इतनी कई हुई मेहनत है उसको पकड़ के रखें ताकि पंजाब में समाज की तरफ से कोई ऐसी बात ना हो, कोई ये कहें कि आज रायचंद जी जैसा हमारे को व्यक्ति नहीं मिला। हमें पूरा पूरा विश्वास है रुपेश जी, जितेंद्र जी और भी भाई बहनों उनके पूरे परिवार से हमें पूरा विश्वास है कि वो हमें पूरा पूरा साथ देते रहेंगे। अब हम बार बार पूरे पंजाब समाज की तरफ से उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, ये मंगल कामना करते हैं कि उनकी आत्मा उत्तर उत्तर ध्यान करे और चिर शांति स्थापित हो, वहीं से बैठे बैठे वो हमारे को साधु गुरुदेव को पंजाब में लाना है तो हमें सार्थक करना ही है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ आपके अध्यक्ष संदीप, अरे यार देखो आपके नेतृत्व में हमें ऐसे बोध जगाएंगे जिसे गुरुदेव को यहाँ पंजाब में आना ही पड़े। अब मैं निवेदन करता हूँ हमारे बचेरा पंच सभा के महामंत्री श्रीमान सुनील जी कुलर। धन्यवाद कमल जी, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पंजाब में विराजित सभी तीर्थात्माओं को मेरा कर्तव्य नमन और शोक सभा में उपस्थित सभी धार्मिक बंधुओं को सादर जय जितेंद्र जी। तारी आईडी बंद करो, श्री रायगंज जी उन्होंने मेरा
उनके साथ वास्ता लगभग 2 साल से रहा जब मैं पंजाब सभा का महामंत्री बना तो सबसे पहला इंटरेक्शन उनका मेरा चंडीगढ़ में हुआ। जाने की बात चल रही थी तो वहाँ से उन्होंने इस प्रकार की प्रस्तुति दी कि हम जाना चाहिए क्यों नहीं जा सकते और मंदिर जाएंगे भाई जी और उनके लिए उन्होंने पंजाब सभा की ओर से गुरुदेव के श्री चरणों में श्री राजस्थान जी की सेवा का विस्तृत विवरण पेश किया गया है ताकि उनका उचित मूल्यांकन हो सके। मैं अपने और पंजाब प्रांत के जैन सांबतिरा पंथ सभा की ओर से राजस्थान जी के प्रति आज दिन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। प्रिय जी हमारे वीर कल्याण परिषद के संयोजक और अखिल भारतीय तेरापन युवा परिषद के अध्यक्ष सम्माननीय संदीप जी कोठारी जुड़ चुके हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कृपया श्रद्धांजलि अर्पित करें और अपने विचार जरूर इस सभा में रखें। कल्याण परिषद के संयोजक एवं अखिल भारतीय तेरापन युवा परिषद के अध्यक्ष श्रीमान संदीप जी कोठारी। श्रीमान संदीप जी पटेल नहीं जुड़ पाए हैं, मैं अब निवेदन करने जा रहा हूँ जो लगभग 25 साल जो बंदा एक क्रमण कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान की मैसेज में आ रहे हैं, हमें ये कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है चरणजीत सिंह द्वारा अब क्या निवेदन करूंगा श्रीमान पुष्पेंद्र जी सिंगल से कि वो श्रद्धांजलि अर्पित करें अपने भाव हेलो एक पड़ोसी के नाते और एक भाजपा के अध्यक्ष के नाते भी श्रीमान आदरणीय पुष्पेंद्र जी सिंगल जुड़े उससे पहले मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच जुड़ चुके हैं कल्याण परिषद के संयोजक और अखिल भारतीय तेरापन युवा परिषद के अध्यक्ष जान सकते हैं कहीं न कहीं ऐसा व्यक्तित्व जिनके जीवन से हम कईयों को सीख लेनी चाहिए, जिनके जीवन को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हुए हम अपने जीवन में उनकी कई विशिष्ट बातों को समझ सके, अपना जीवन भी उनके अनुरूप हम बना सके। व्यक्ति जीवन कितना जीता है और व्यक्ति कैसे जीवन जीता है महत्वपूर्ण ये बात है कि व्यक्ति ने और कभी उनके साथ जुड़े हुए स्नेह वजन विशेष और पूरा परिवार कहीं ना कहीं ऐसा बहुत समर्पित परिवार है। आदरणीय
आत्माओं को दर्शन करती है, आदि सुदान सुदान सुमंदर करती है, और उनके बातों को उनके समझाओ को हम अपने जीवन में उतारते हुए अपना जीवन सफल बनाएं, अपने सभी सुदान के समस्त रहस्यों की बोली करने माता हूँ। स्टार्ट वीडियो। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने भवन के पास वाला मकान नहीं छोड़ा, सिर्फ इसलिए कि साधु संतों की सेवा होती रहे, कोठी पाने का मुझे अवसर मिलता रहे, इस कारण से उन्होंने मकान नहीं छोड़ा। जैसा कि भाई कमल जी ने बताया, जैसा एक रिश्ता था वो कोई भी छोटी सी घटना भी होती, छोटा सा काम भी होता, वो मुझे फोन करते, मुझसे सलाह लेते, बहुत छोटा उम्र में उनके बच्चे की तरह हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे सलाह लेते, मुझे बड़ी अत्यंत प्रसन्नता होती। और जाते जाते अभी जब उन्होंने अपने सभा का पद छोड़ा, तो सभा का पद तो उन्होंने पीछे पांच बार पहले भी छोड़ा था, लेकिन इस बार जो उन्होंने सभा का पद छोड़ा, उन्होंने अपने अंतर उद्गार अपने मन के उद्गार एक पद फोन किया, बाबा आपने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन थोड़ी सी कमी रह गई, आपने कुछ व्यक्तियों को छोड़ दिया। तुरंत उन्होंने मेरी बात को माना, जैसे श्री प्रकाश ये तो गलती होगी, मैं तुरंत दोबारा लिखता हूँ और उन व्यक्तियों का उल्लेख भी करता हूँ, और वापस पत्र लिखी और मेरी बात को मान दिया। मैं बार बार उनका आभार व्यक्त करता हूँ, और हम उनसे कुछ सीख पाए, उनसे शिक्षा ग्रहण पाए, तभी ग्रहण कर पाए, तभी हम उनकी स्मृति सभा को सफल बना पाएंगे। तो जीवन और मृत्यु के बीच का जो हमें समय मिला है, उस समय में हम भी कुछ ऐसे कार्य कर पाए, अपने जीवन को ऐसी दिशा में मोड़ पाए कि हमारी भी हमारा जीवन भी सफल हो और हमारी मृत्यु भी सफल हो पाए, ऐसा प्रयास करें। इन्हीं सुविधाओं के बाद उत्साह मैं अपने रायचंद जी के पूरे परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। रूपेश जी और रूपेश जी की माता जी जिन्हें मैं मम्मी कह के बुलाता हूँ, उनको भी मैं सादर प्रणाम करके बहुत बहुत अपने हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। हम सब आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़े और उनकी आत्मा भी आध्यात्मिक उत्तरोत्तर वृद्धि करती रहे। इन्हीं सुविधाओं के साथ आदुवाद उपासक श्रेणी के राष्ट्रीय संयोजक श्री सूर्य प्रकाश जी, अब मैं आमंत्रित करता हूँ, निवेदन करता हूँ उपासिका श्री। वाकई अभी सूर्य प्रकाश जी ने जैसा बताया, मैं भी उनके साथ शुरू से जब से वो लुधियाना में आए मैं तब से और खासकर जब आचार्य महाप्रज्ञ जी यहाँ पधारे थे 2006 में, तो उस समय मैं भी सीमा मंडल के अध्यक्ष थी और आप मतलब अध्यक्ष थे, और ऐसा वार्तालाप उस समय से मेरा बड़ा कि मैं आज बयान नहीं कर सकती कि मैंने घटना को उनसे उनसे सीखा है। तो पंक्तियाँ कहते हैं, खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया काम से चलेगा, बाकी बचा जंग लगेगा, धर्म धर तक साथ चलेगा, परिवार संस्थान तक चलेगा, धर्म और सेवा भाव, धर्म और सेवा भाव तो दूसरे जन्म में भी आपके साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। तो भाई जी ने जो समाज की सेवा की है, जो धर्म में अपना योगदान दिया है, वो जन्मों जन्मों तक उनके साथ रहेगा। और मैं यही प्रार्थना करूंगी कि भगवान उनको जिनने भगवान उनको मोक्ष मार्ग देकर वो जल्दी से जल्दी अग्रसर हो, अपनी जीवन यात्रा को जितना कम कर सके उतना ही अच्छा है। आगे कहना चाहूंगी, भाई जी ने हमारे युवाओं में बहुत जोश भरा, उसमें एक युवा मेरा बेटा भी है जो 2 साल से युवक परिषद का अध्यक्ष है, और पता नहीं भाई जी को समझाती हूँ, मैं कहा बेटा ये संसार है, आने वाले को एक न एक दिन जाना पड़ता है, कि माँ मैं अगर शायद इतना नहीं झुकता तो शायद मुझे इतना नहीं होता, लेकिन पता नहीं भाई जी ने मेरे में क्या कर दिया। और जब भाई जी ने मेरे को कहा कि विनोद भाई आपके तनु में इतनी सहन शक्ति, आपका तनु कितना समझदार है, तो कहते हैं माँ का सीना गर्व से फूल जाता है। मैं कहना चाहूंगी आज चोरडिया परिवार से मेरी बहन से और रूपेश से कि देखो बेटा जो होनी थी वो हो गई, कहते हैं कि मृत्यु और जन्म किसी के बस में नहीं है, लेकिन भाई जी के जो अनुदान है, भाई जी के जो काम है, हमें उनको आगे बढ़ाना है, समाज में पूरा समय देना है, धर्म में आगे बढ़ना है, और किसी मौके पर किसी समय
और इसी समय मुझे मैं कहना चाहूंगी भगवान महावीर सेवा संस्थान, भगवान महावीर महिला शाखा और लिंगा सोसाइटी, उनके प्रति मुझे संदेश प्राप्त हुए हैं जिनका वाचन मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि समय की कमी है। और इनके बारे में मेरे साथ तो इतने संबंध जुड़े हुए हैं, मैं अगर बात करता रहूं तो दो दिन तीन दिन का समय भी कम ही होगा। इतने इनके साथ में आत्मीयता और ऐसी आत्मीयता ऐसे सबसे से जुड़ी है जिनके हुए मेरी बातचीत कमल जी से, धीरे जी से और अभिराज सिंह जी से सबसे होती रहती थी। मैं पर उनके बारे में पूछता रहता था। एक रोज तो मैं बहुत ही भावुक हो गया जिस रोज धीरज जी ने मेरे को ये कहा कि वो किससे बात नहीं कर रहे, भौजी आप उनको फोन करो, वो आपकी आवाज़ सुन के जरूर खड़े। लेकिन मैं इतना भावुक था, मैं दूसरी तरफ सोचने वालों की तरह सोचने लग गया कि कहीं उनका विश्राम का यही समय ना हो और मैं उनको आवाज दे के उठा दूं तो खलल पैदा ना हो जाए। लेकिन आज मुझे इस बात का मलाल है, दुख है कि जब भी मैं उनको आवाज देता तो शायद वो उठकर खड़े हो जाते, क्योंकि तो मेरा मन मान ही रहा था कि रायचंद जी इतनी जल्दी इस दुनिया से चले गए। हर काम में जो बात समाज के अंदर आती थी वही कमल जी वाली बात, सूर्य प्रकाश वाली बात जो कि सारे जानते हैं, तो बात तो वो सही ही है कि वो एक अटल विश्वास के साथ जिस भी काम को पकड़ लेते थे वो पूरी तैयारी के बगैर ही संपूर्ण कर देते। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि जितना उन्होंने मेरे साथ जीवन काटा, मेरे को एक हमेशा खुशी बांटते थे, कभी भी विरोध का आभास उनके अंदर नहीं था। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि हमें उनकी उन्होंने कई बार कहना कि मिंदर पाल जी आपको क्रोध नहीं आता, और मैंने भी कहना कि बहुत ही आपको भी क्रोध मेरे सामने तो नहीं आता और क्रोध आने भी नहीं चाहिए। मेरी बच्चों को एक ही प्रेरणा है कि जिंदगी के अंदर कोई भी बात हो जाए लेकिन क्रोध भी नहीं आ, शांत भाव से शांत मन से चिंतन करते हुए पुरुषों का नाम बड़ा करना और रायचंद जी के दिए हुए रास्ते पे अग्रसर होना ताकि समाज में और ज्यादा प्रतिष्ठा इस परिवार की रायचंद जी की तरफ बढ़े और गुरुचरणों में इनका आशीर्वाद रहे और परमात्मा के चरणों में इनकी आत्मा को शांति रहे और परिवार को शांति रहे। ओम आरम। चुके हैं जो आरा से अभी उनके बहुत ज्यादा आत्मीय रिलेशन थे, आत्मीय उनका भाव था। तो मैं निवेदन करूंगा सरदार चरणजीत सिंह द्वारा से कृपया वो संवेदना प्रकट करें। बोलो उनको बोले मोबाइल बंद कर लो। वो जुड़े तब तक मैं निवेदन करता हूँ महासभा के प्रभारी जुड़े हुए, देखने को नहीं आ रहे।
श्री कुलदीप सिंह सुराणा से वो अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करे। श्रीमान कुलदीप सिंह सुराणा जुड़े हुए चरणजीत सिंह बोल तो नहीं रहे, बोलो ना भाई जी, थोड़ा मेरे मेरे जाके आओ, नहीं आवाज आ नहीं रही, बोलो मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। बोलो जी। हां परम श्रद्धे आचार्य महाश्रम मंडी के चरणों में दूसरे बोलने लगे, कोटि कोटि नमन। इस स्मृति सभा में उपस्थित सभी सम्मानित महानुभावों को मेरा आदर जय जयकार। श्रीमान रायचंद जी चौरड़िया एक ऐसा रे लुधियाना समाज में लिप्त हो गया है और लगता नहीं कि अभी कोई ऐसा व्यक्तित्व हो जो इस स्थान को ग्रहण कर सके, तो एक ऐसे व्यक्तित्व का चले जाना वाकई में पूरे समाज के लिए एक क्षति का विषय है। मैं पूरे अपने परिवार की तरफ से मैं श्रीमान रायचंद जी चोरड़िया जी के प्रति कामना करता हूँ कि परिवार जो उनके चले जाने से रिक्त स्थान बन रहा है, इसके बाद भाई श्री रुपेश जी जो है वो उस स्थान को रिक्त नहीं होने देंगे, अपने पूरे परिवार के साथ धर्म संघ की सेवा में ऐसे ही संलग्न रहेंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि उनके जाने से एक वीरानी सी जो है वो हमारे बीच में एक रिक्तता हम जरूर अवश्य महसूस करेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि भाई रुपेश जी और पूरा परिवार इस रिक्त स्थान को भर देंगे। मैं पुनः अपने परिवार की तरफ से, अपनी ओर से और विशेषकर अपने महासभा परिवार की ओर से इस परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ और मैं कामना करता हूँ कि वो ये आत्मा जो धर्म संघ में पूरी पूर्ण रूप से अस्तित्व थी वो एक अपने चिर लक्ष्य को प्राप्त करे। इसी के साथ में अपने शब्दों को विराम देता हूँ। ओम अर्हम। साधुवाद कुलदीप जी, मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा सरदार चरणजीत सिंह के द्वारा से, कृपया वो भी सरदार जी अर्पित करें, सरदार चरणजीत सिंह जी द्वारा। जैन चोरड़िया जी आज हमारे बीच में नहीं रहे, इसका हमें बहुत दुख है, बहुत दुख है। उनका अचानक चले जाना किसी को भी सच प्रतीत नहीं हो रहा, ऐसा लगता है कि ये सब सही थे, जैसे पता चला कि जैन साहब नहीं रहे, मन को बहुत दुख हुआ, क्योंकि हमारे साथ उनके 15-20 साल से इतने संबंध थे, मैं कह नहीं सकता कि शायद ही किसी और दूसरे संबंध थे, उनके सबके साथ ही अच्छे थे, पर हमारे साथ लुधियाना गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में 15-20 साल से वो काम कर रहे थे, पहले हमारे कैशियर थी रहे, अभी हमारे वाइस चेयरमैन थे। मेरे को ही नहीं पूरे ट्रांसपोर्ट भाइयों को इतना गहरा दुख हुआ, इतना गहरा सदमा पहुंचा कि किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जैन साहब हमारे बीच में, क्योंकि सेहत अभी अच्छी थी, कोई ऐसी प्रॉब्लम लगती नहीं थी, अचानक ही उनका चले जाना मतलब ये बड़ा मुश्किल हो रहा है इस बात पर विश्वास करना। रायचंद जी सच के पुजारी थे, जितना सच जैन साहब के पास था मैंने समझा आज के जमाने में किसी समाज सेवक के पास, किसी कार्यकर्ता के पास इतना सच का धारणी होना बड़ा मुश्किल है। सच कहने के लिए वो इतने मतलब मुखर थे, इतने निडर होकर के बोलते थे, किसी को दुख लगे, तकलीफ लगे, बुरा लगे, पर जैन साहब सच जो है सबके सामने बोलने में कभी भी झिझकते नहीं थे, सच उनका आदर्श था, सच के वो पुजारी थे। मैंने नहीं कभी सुना होगा कि कभी उन्होंने कोई ऐसी बात कही हो जो सच्चाई से परे हो। आज जितने भी उनके साथी हैं, आज सबको उतना ही दुख हो रहा है जितना उनके परिवार वालों को। जैन साहब का ऐसा स्वभाव था, अगर कोई साथी किसी कारण किसी और से भी नाराज हो गया तो जैन साहब उसको मना करके फिर साथ चला लेते, ये उनमें बहुत बड़ा गुण था। कोई आदमी ऐसा, कोई इंसान ऐसा, कोई हमारा साथी ट्रांसपोर्टर ऐसा नहीं था
जो उनकी बात को टालता, कहीं किसी अफसर से मिलना हो, कहीं कोई मेमोरेंडम देना हो, कहीं कोई हमारी संस्था एसोसिएशन की मीटिंग हो, कोई भी प्रोग्राम हो, जैन साहब आगे खड़े मिलते थे। हर आदमी, हर मेंबर जैन साहब की तरफ देखता रहता था कि जैन साहब का नंबर कहाँ आएगा, क्या बोलेंगे और क्या बोले, मतलब ऐसा उनका स्वभाव था। अंदर बैठो का मतलब सच तो मैं क्या बताऊँ आपको, भी सच उसके पहले बहुत था। आज के जमाने में सच होना ही मुश्किल है, सच पर पहरा देना, सच बोलना, ये आज के जमाने में मुश्किल है। देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या आज के समाज में होता है। हमारे ट्रांसपोर्टर भाइयों की तरफ से, मैं अपनी तरफ से परिवार के साथ गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ और परमात्मा के आगे निम्रता सहित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कोई ऐसी शंका नहीं है मुझे तो कि भगवान उनको अपने चरणों में नवाज नहीं दे। ऐसे आदमी को अगर राजचंद जी जैसे आदमी को अगर भगवान चरणों में नवाज नहीं देगा, फिर तो मेरा ख्याल नहीं कोई उनको चरणों में नवाज पा पाएगा। मैं अपनी तरफ से, समुचे ट्रांसपोर्ट भाइयों मेंबरों की तरफ से, परिवार के साथ फिर एक बार गहरी संवेदना प्रकट करता हुआ सब सुनने वालों को और रिश्तेदार मित्रों स्नेह के साथ दुख प्रकट करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्रीमान अभयराज सिंह जी, जिनसे उनका काफी ज्यादा लगाव था, बहुत ज्यादा लगाव था। हम तीनों प्राय इकट्ठे रहते थे। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान अभयराज जी से। और आदरदेव के श्री चरणों में सत सत वंदन। पंजाब के विभिन्न स्थानों में विराजित चरित आत्माओं को मेरा मधेर बंगामी। सभी सदार्मिक बंधुओं को मेरा जय जिनेंद्र। जन्म एवं मरण निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता, न ही इसकी अवधि में कोई कमोबेश कर सकता है। राजस्थानी में या मारवाड़ी में यह कहावत है, तिल घटन राई बड़ा बड़ा अपराध है। मेरा उनसे अंत मन से जुड़ाव था। पिछले लगभग 20 सालों में मैंने उनके साथ लगभग हर पद पर रहकर कार्य किया। कई यात्राएं पंजाब में भी और पंजाब के बाहर भी हम सपरिवार इकट्ठे होके गए, और कई बार सैकड़ों बार मेरे ख्याल से साधु संतों की साथ में सेवाएं की। ये सब अतीत की यादें आज मेरे आंखों में एक फिल्म की तरह चल रही है। बड़ा हौसला था, सभी में जोश भरने की अद्भुत क्षमता थी, मेरे पर बड़ा विश्वास करते थे। प्राय कहते थे अब जी, अब है मेरा नाम है तो अब जी बोलते थे मुझे। अब जी को कोई भी काम कह देता हूँ तो ये उसके पीछे तन मन धन से लग जाते हैं। हॉस्पिटल में भी जब वो एडमिट हुए, भाई रुपए से मेरा लगभग दिन में एक दो बार कमल जी के साथ चार पांच बार बात होती रही। जब पता लगा कि वो किसी का फोन उठा नहीं रहे हैं, रुपेश जी ने कहा कि अंकल फोन नहीं उठाते। मैंने कहा यार तेरी बात अलग है, मैं करता हूँ, मेरा फोन तो उठाएंगे उठाएंगे। और ऐसा ही हुआ, मैंने फोन किया, बात करी, थोड़ी देर बात करके उन्होंने कहा फिर बात करते। मुझे क्या पता था ये मेरी उनसे आखिरी बात होगी। विधि का विधान है, कोई टाल सकता नहीं। आज पूरे धर्म संघ में उनके चले जाने से एक रिक्तता का अनुभव हो रहा है, हमेशा याद आते रहेंगे। भाभी जी, रुपेश, पूजा, अलका एवं धीरज जी से एवं पूरे परिवार को मैं एवं पूरा सिंघी परिवार हार्दिक संवेदना प्रेषित करता है एवं यही प्रार्थना करता है कि प्रभु उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, शांति प्रदान करें। ओम अरहम। धन्यवाद सिंघी जी। हो गया, मैं देख लिया। अब मैं अगर नगर से कम है
मैंने देखा जब भी हम कभी उनसे बात करते थे तो हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ही होती थी। सबसे बड़ी बात जो उनमें थी, उनका मन बहुत साफ था। वो किसी भी शराब के प्रति उन्होंने कोई भी मनोभाव नहीं रखा और साथ लेकर चलना उनकी फितरत थी। उन्होंने अपने संसार के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी। इसके साथ साथ अपने दोनों बच्चे रुपेश और बेटी पूजा को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए। दोनों बच्चों की बहुत ही अच्छे परिवारों में शादी की। उनके दामाद हमारे सभी के प्रिय श्रीमान धीरज जी सेठिया हम सब और लोगों के सामने है। ऐसे दामाद तो किस्मत वालों को ही मिलते हैं। उन्होंने अपने सारे परिवार को अपने धर्म संघ के साथ जोड़े रखा। इसके साथ साथ हमारे आदरणीय श्री कमल जी को कितना आघात लगा होगा ये हम सोच भी नहीं सकते। मैं अपने लुधियाना सभा के सभी श्रावक भाई बहनों को बार बार अनुरोध करूंगा। पहले तो कमल जी हमें साथ लेकर चलते थे, लेकिन अब हमें उनको साथ लेकर चलना होगा। और राय जी जो दूर काम छोड़ गए हैं उन्हें हमें पूरा करना होगा। यही हमारे लिए उनके निमित्त सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं अदरनगर उपनगर की सभी तेरापन समाज के भाई बहनों के उन्हें भाग लेने श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पिता परमात्मा से उनको अपने चरणों में भाग दे, इस आवागमन के चक्कर में उन्हें मुक्ति दे। इस आघात को चरणिया परिवार और सगे संबंधी और मित्रगण और सभी श्रावक समाज को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम अरम। बहुत बहुत साधुवाद श्रीमान कुंडलों की हमारे ओम की उत्साही कार्यकर्ता श्री चरणों में वंदन। मैं आज ऐसे व्यक्ति की स्मृति सभा में बैठा हूँ जिनकी अपने जीवन में जीवन का आते कभी भान नहीं सकता। मोरल के साथ 25 सालों से मेरा जुड़ा हुआ है। मेरा उनके सानिध्य में ऐसा लगता था जैसे पिता पुत्र पर मनोज जी अपने आप को अनम्यूट करेंगे। आपके साथ म्यूट हो गए, अनम्यूट हो जाएंगे। हाँ आवाज आ रही है, आ रही है। समय का ध्यान रखते हुए मैं करीब करीब अंकल से 25 सालों से जुड़ा हुआ था। उनके रहते हमेशा पिता का साया सा महसूस हुआ मेरे को और हमेशा अपने आप को निश्चिंत महसूस किया। किसी भी भूल का हमको उनके रहते डर नहीं लगा क्योंकि वो हमेशा हमारी भूलों को उन दोनों की फोटो पूरी नहीं आ रही सेंटर में दोबारा लेते थे। बुआ को सेंटर में ला वह हमें बाद में समझाते कि किस तरह से काम करेंगे तो समाज का हित होगा। उनके लिए हमेशा समाज हित ही सर्वोपरि था। लुधियाना में पहला तेरा पंथ भवन की नींव रखने वाले अंकल को हमारा बारंबार साधुवाद। लुधियाना में जो पहला तेरा पंथ भवन बना उनके लिए उन्होंने कितना विरोध सहा
ये सब हमारे सामने था। अरे मैंने क्या थोड़ी फोटो ठीक करें। उनकी आत्मा को उत्तरोत्तर मोक्ष की तरफ गतिमान करें। बहुत बहुत साधुवाद प्रमोद जी। अब मैं जिस शख्सियत को बोलने जा रहा हूँ उनके पिता श्री स्वर्गीय आदरणीय परम आदरणीय आपके गांधी सभा में उपस्थित हुए हैं। ये कैसे समय आ गया है कि हमारे जो ज्ञान समाज के स्तंभ है वो हमें छोड़कर जा रहे हैं। मैं अक्सर 20 वर्ष पहले जब वो लुधियाना आए 22 वर्ष पहले तो जहाँ तक मेरे को ध्यान है कि वो श्री बंसीलाल जी सुराना के साथ पिता जी के पास आए तो तब से ही उनका हमारे परिवार के साथ के साथ साथ मैं अक्सर सिर्फ तेरापंथ समाज के नहीं वो एक जैन एकता के बारे में सोचते थे कि हम जैन पहले हैं जो संप्रदाय हैं वो बाद में ठीक है आप एक किसी न किसी संप्रदाय से जुड़े जरूर हैं पर हमारी जो मान्यता सबसे पहले है वो जैनत्व की है जैन की है। और जिस समय आना हुआ सर तो उन दिनों में मैंने देखा श्री रायचंद जी साहब ने दिन नहीं देखी रात नहीं देखी जैसे कि श्री कमल जी ने बताया एक महीना तक उस कार्यक्रम को कैसे सुचारू रूप से चले कैसे संतों की सेवा हो दिन रात यही कर दिया। और उस समय तो ये लगता था ये आत्म नगरी एक तीर्थ नगरी है ऐसा आभास हुआ क्योंकि उस समय आचार्य श्री श्रीमुनि जी महाराज भी और आचार्य श्री महाप्रसाद साहब का पता कि उन्होंने कैसा सारा यहाँ पे सबको मैनेज किया तो ऐसे इंसान का हमारे घर से चले जाना बहुत ही समाज को क्षति की है। हेलो हमें हमारी उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जो जैन एकता की जोत को जाकर हेलो आप म्यूट हो गए आप अनम्यूट कीजिए थोड़ी देर का बीच में जी सर तो हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी पढ़ाए इकट्ठे होकर और उनके परिवार से सभी से भगवान को यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको ये दुख सहन की शक्ति दें और अपनी जितनी भी संस्थाएं हैं चाहे स्थानकवासी समाज की ओर से श्री आत्मरंजन मेमोरियल ट्रस्ट श्री पब्लिक एवं अन्य जिन भी संस्थाओं से मैं जुड़ा हूँ मैं सभी संस्थाओं की ओर से उनके चरणों में हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और फिर से संजीव जी हमारे बीच जुड़े हुए हैं श्री सुनील जी जैन सेक्रेटरी आत्मानंद जैन मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया वो भी श्रद्धांजलि अर्पित करें। श्री सुनील जी जैन जय महावीर आज हम सब ने ही कर्म कर्तव्य में दान को आदरणीय श्री रायचंद जी चरणिया आदरणीय अंकल जी की स्मृति सभा में एकत्रित हुए हैं। कोविड 19 की वजह से हमारा निकट हुआ है तो जूम मीटिंग के माध्यम से हुआ है तो सभी मौजूद महानुभावों को मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक जय जिंद। मैं और रुपेश भाई 1992 में पहली बार मिले और इस परिवार से जुड़ने का मुझे स्वागत हुआ और उसी दौरान मेरा मुलाकात होते हुए उनका व्यक्तित्व इतना शानदार था कि आज हम सब मैं जब उनकी पोस्ट पढ़ रहा था जो कि उनकी सभा के निमित्त भेजी गई थी उसमें उनके नाम के आगे इतने बड़े बड़े अलंकार लगाए गए कि कारण होगा
कि जो उनके नाम के आगे इतने अलंकार लगे, उन्हें अपना जीवन किस तरह से साझे किया, क्योंकि ये अलंकार प्राप्त करना एक साधारण मनुष्य के लिए बहुत बहुत मुश्किल है। समाज की पहचान बहुत ऊपर लेके जाने वाले अंगे भी आज जो भी जो कलाब की ओर है और जो इतना बड़ा श्री तक बना है उसके बहुत बड़ा उनका योगदान था। अंकल देव गुरु धर्म के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे और उन्होंने कर्मठ सिपाही की तरह तेरापन समाज को खींचा है। जीवन मिलना तो भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये अच्छे कर्मों की बात है। ये उनके कर्म ही थे जो आज हम उनकी समृद्धि सभा में सब एकत्रित हो रहे हैं और उनको अपने मन से श्रद्धांजलि प्रदान कर रहे हैं। भाई पेज जी, भाई धीरज जी, हमारी आदरणीय आंटी जी खुद देव के गुरु धर्म को बहुत समर्पित हैं और उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि वो उनके दिखाए हुए रास्ते से आगे बढ़ते हुए अपने समाज का, जैन समाज का नाम रोशन करें। मैं छोटा सा वृत्तांत जरूर शेयर करना चाहूंगा, मुझे पता है समय कम है। अभी कुछ ही समय पूर्व सम्मानित आयोजन किया गया तो मेरे सुबह सुबह 7:30 बजे घर भाई धीरज जी, भाई तरुण जी सुराना, भाई उदित जी सुराना पहुंचे तो उन्होंने मुझे इन्विटेशन दिया कि ऐसे ऐसे सामूहिक सामायिक हम आयोजन करने जा रहे हैं। तो उनसे सारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि वो चाहते हैं कि मंदिरवासी संप्रदाय इसमें जुड़े। और मैं जब उनको सी ऑफ करने के लिए बाहर निकला तो मैंने देखा कि अंकल गाड़ी में बैठे और मैं इतना हैरान हो गया। मैं अंकल के पास गया, मैंने पूछा कि तुम अंकल भी घूम रहे और ये कार्य तो तेरा पास युवक कर ही सकता है। कहते नहीं, इनको मैंने ट्रेनिंग तो देनी है, इनको दिखाना भी आगे। जिसको मैं कभी भूल नहीं सकता, ये मेरी उनके साथ आखिरी मीटिंग थी और उनमें इतना कार्य करने की लगन थी कि मतलब वो इस उम्र में भी और उसकी बीमारी के साथ भी घूम रहे थे, वो मुझे कभी भूलेगा नहीं। मैं शिविरमणि श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ श्री आत्मानंद जैन सभा लुधियाना की ओर से हमारे आदरणीय प्रधान श्री भारत भूषण जैन भारती जी की ओर से एवं स्वस्थ कार्यकर्ता की ओर से एवं सभी काकाओं की ओर से हमारे परिवार की ओर से मैं दिवंगत आत्मा के चरणों में श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ एवं भगवान महावीर स्वामी से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी पुण्य सभी आत्मा को अपने चरणों में दान प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति। अब मैं निवेदन करूंगा, अपने आप को अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। हाँ, ओके। समस्त सभा में उपस्थित सभी पदाधिकारी, सभी सदस्य बहनों भाइयों सभी को तेरापन महिला मंडल अध्यक्ष की ओर से सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि विदित है, आज हम सब श्रीमान स्वर्गीय रायचंद की समृद्धि सभा में उपस्थित हुए हैं। चक्री महाश्रमणी के शब्दों में व्यक्ति बनकर जीना महत्वपूर्ण नहीं है, एक विशिष्ट व्यक्तित्व और कर्तव्य जीना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति समाप्त हो जाता है पर व्यक्तित्व हमेशा जीवित रहता है। मैं मानती हूँ स्वर्गीय श्रीमान रायचंद जी भी ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी थे। व्यक्ति आता है चला जाता है पर उनका व्यक्तित्व कर्तव्य सबकी जुबा पे स्वयं व्यक्त हो जाता है। एक बार नहीं, 6 बार तेरा पंथ सभा के अध्यक्ष पद पर कर्मठता और दृढ़ता के साथ कार्य करना आप जैसे व्यक्तित्व के लिए ही संभव था। हर वर्ग के लिए, चाहे बच्चा हो, युवा हो, प्रौढ़ हो, सबके लिए आप आदर्श प्रेरणा स्तंभ थे। संघ प्रति के प्रति पूर्ण निष्ठावान थे। गुरु दृष्टि के प्रबल आराधक, गुरु कृपा के प्रबल पात्र थे। उम्र के एक पड़ाव में ही
आदर भी उनमें हर कार्य के प्रति गजब का आत्मविश्वास मनोबल दृष्टिगत होता था। आपकी अद्भुत दूरदर्शिता सूझबूझ से सदैव समाज का परिवार का मार्गदर्शन किया। संघ की प्रभावना में हमेशा दृढ़ मनोबल के साथ सहयोग किया। हर कार्य में आपका तन मन धन समर्पित कर दिया। परिवार के प्रत्येक सदस्य ने बेटा बेटी बहू सभी के संस्कारों का बीजारोपण बड़ी कुशलता से किया। संपूर्ण समाज को अपने परिवार की तरह माना। समय समय पर अपने संस्कारों की रोशनी से विकास दिया। ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व का चले जाना तेरापन समाज के लिए कभी नहीं भरने वाली रिक्तता है। उनकी कमी हमेशा महसूस होगी क्योंकि मृत्यु एक ऐसा सफर है जहां हम सभी को भी जाना है। उपराज्यपाल को भगवान इस वज्रगात को संतभाव से सहने की शक्ति देते मौत ने दावत पे बुलाया लाख बहाने काम न आए। चल दिया पंक्षी छोड़ के पिंजरा माने खजाना काम न आए। अंत में मैं पूरे तेरापन महिला मंडल की ओर से और अपने परिवार जनों की ओर से पूरे परिवार को भाव की पूरे परिवार को इस वज्रघात को सहने की शक्ति दे एवं श्रीमान रायचंद जी को आगे के लिए मोक्ष प्राप्त करने इन्हीं भावनाओं के साथ वो आना। साधुवाद मेरा मंडल अध्यक्ष हमारे अध्यक्ष कि क्या मैं इतना कुशल वक्ता नहीं हूँ। जो बोलना चाहता था वो सभी लोग बोल चुके हैं। अभी श्री आत्मानंद जैन सभा के सचिव सुनील जैन भाई ने एक बात बोली कि अखबारों के माध्यम से श्री रायचंद जी चोरड़िया को कई अलंकारों से सुशोभित किया, तो मैं अपने श्री सुनील भाई को ये बताना चाहूंगा कि उनको इन अलंकारों से सुशोभित क्यों किया। मैं सिर्फ तीन बिंदुओं के माध्यम से आपके समक्ष ये बात रखना चाहूंगा कि उन्हें संघ प्रति श्रद्धा निष्ठ श्रावक साहसी धैर्यपूर्ण व विवेकपूर्ण क्यों कहा जा रहा है। मैं अपने पहले बिंदु के अंदर बात करूंगा उनके मतलब किस तरह से वो संघ में धर्म संघ के प्रति और समाज हित के प्रति खेला भी है, लेकिन वो अपने पॉइंट पे अड़िग रहे थे। इसी का नतीजा है कि ओमेक्स तेरापंथ भवन का निर्माण, तीसरे तेरापंथ भवन का निर्माण लुधियाना समाज में हुआ। अब मैं उनके अलंकारों से रिगार्डिंग भी दूसरे बिंदु पे कहना चाहूंगा कि वो संघ के प्रति कितने निष्ठावान थे। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि मैं बात है उस वक्त कोरोना काल चल रहा था, बहुत ही घरों से बाहर मैं अपने दूसरे बिंदु के अंदर ही अपनी बात खत्म करूंगा। मैं तीसरे बिंदु का संक्षेप विवरण नहीं करूंगा। दूसरे बिंदु में मैं ये कहना चाहूंगा, मैं स्पीड से बोल रहा हूँ कि उस वक्त कोरोना काल के वक्त पारिवारिक स्थितियों के कारण मैं भी बीकानेर में था। साध्वी श्री तिलक श्री जी जालंधर में विराजित थी, उनका कहना था कि जालंधर से लुधियाना तिलक श्री जी को लेके आना है। शायद तीन दिन चार दिन तक उनसे मेरा संपर्क होता रहा, लेकिन उनकी चिंताएं काफी थी। उनके दिमाग में यही बात चल रही थी कि किसी भी तरीके से साध्वी श्री को लुधियाना लाया जाए। उस वक्त मैं किन्हीं परिस्थितियों से पारिवारिक परिस्थितियों में जब उनको लेकर आए, उसके बाद उनके मन में ऐसा था कि जैसे उनके मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। उन्होंने ठीक है तेरापन युवक परिषद का अध्यक्ष था, लेकिन उनकी बातचीत करने की शैली और अपनी बात को मनवाने की कला इतनी निपुण थी कि शायद मैं उनके मार्गदर्शन में रहता हुआ समाज के प्रति कुछ कर पाया। और उनका विशेष लगाव इन 16 महीनों के दौरान अंतराल के दौरान मेरे साथ हुआ भी। कई बातों पे उनका चर्चा के दौरान
विचार विमर्श हुआ और उनका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा। अब मैं इन्हीं भावों के साथ अपने विचारों को विराम देता हूँ। शोकाकुल परिवार, चोरड़िया परिवार, इस दुख की घड़ी में मनोबल बनाए रखे और श्री रायचंद जी को अब मैं परिवार के और कैरापंथ युवक परिषद के कर्मठ मंत्री श्री निरति जैन से निवेदन करूंगा, कृपया समय को देखते हुए समय का विसर्जन जितना हो सके उतना जरूर करें। एक नदी भावना को और श्रद्धांजलि अर्पित जरूर करें। अपने इस समय को देखते हुए श्री निरति जी से आराध्य देव के चरणों में वंदन। कमल जी आवाज आ रही है? हेलो कमल जी, निरति अनम्यूट करें। आराध्य देव के चरणों में वंदन। अगर नगर में विराजित चरित्रात्माओं के चरणों में सादर वंदन। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बांधी जंजीर। आज हम जूम ऐप के माध्यम से आयोजित स्वर्गीय श्री रायचंद जी जैन की स्मृति सभा में उपस्थित हुए हैं। समस्त श्रावक समाज को सादर जय जिनेंद्र। मैं ये कहना चाहता हूँ सभी के दिलों में बसने वाले सरताज श्रीमान रायचंद जी आज शरीर से परिवार और समाज के बीच विद्यमान नहीं हैं, लेकिन अपनी आत्मा से वो हमारे परिवार और हमारे समाज के दिलों में हमेशा बसते रहेंगे। श्रीमान रायचंद जी के बारे में पूर्व वक्ताओं ने सभी प्रकार की विशेषताओं का उल्लेख किया। कुछ संक्षिप्त विशेषताएं, नेतृत्व कला के धनी, लुधियाना तेरा पंथ समाज में पिछले 20 वर्षों में तेरा पंथ सभा के अध्यक्ष के रूप में किसी न किसी रूप में अपनी सेवाओं को देते हुए पूरे समाज को उन्होंने एक सूत्र में पिरोए रखा, पूरे समाज को अपना परिवार माना। आज केवल चोरड़िया या सेठिया परिवार इस अपूर्णीय क्षति को सहन करे मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। पूरा लुधियाना समाज आज उसकी उनकी इस अपूर्णीय क्षति को पूर्ण नहीं कर सकता। प्लानिंग एवं एक्सिक्यूटिव ट्यूजन के मास्टरमाइंड श्रीमान रायचंद जी एक ऐसी डायनामिक पर्सनालिटी थी जिन्होंने अपने मन में जिस विचार को आरूढ़ कर लिया उसे बिना सोचे समझे, जिस विचार को अपने मन में ले लिया उस विचार को पूर्ण करके ही अपने आप को समर्पित किया। वह एक सच्चे संघनिष्ठ सेवाभावी श्रावक थे। उनके दिलों में अभिन्न मित्रता का भाव फूट फूट कर भरा हुआ था। मैं इन विगत 20 वर्षों में मैंने कभी यह अनुभव नहीं किया कि श्रीमान कमल जी नवलखा और श्री रायचंद जी चोरड़िया शरीर से दो हो सकते हैं, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा एक रही और समाज के भलाई के और समाज को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से उन्होंने श्रम नियोजित किया वो हम सभी के सामने हैं। श्रीमान रायचंद जी एक जोशीले युवा जुझारू कार्यकर्ता थे। अखिल भारतीय तेरा पंथ युवक परिषद से हमें कोई भी दिशा निर्देश किसी भी समय मिल जाता तो वह एक युवक परिषद के एक कर्मठ कार्यकर्ता की तरह हमारे साथ तन मन और धन से जुड़ जाते थे। पीछे हमने ओमेक्स भवन की रूपरेखा से लेकर उसके निर्माण तक की प्रक्रिया समाज ने अपनी आंखों से देखी और उन्होंने अपने मरण को प्राप्त करने से पूर्व अपना जो संकल्प था ओमेक्स भवन का निर्माण उसका उद्घाटन करके अपने आप को समर्पित कर दिया। मैं पुनः सबके चहेते विलक्षण प्रतिभा के धनी, पैनी दृष्टि धारक, ओजस्वी वक्ता, श्रमशील हमारे आदरणीय स्वर्गीय रायचंद जी को अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, संपूर्ण तेरा पंथ समाज की तरफ से देव गुरु धर्म से यही प्रार्थना करता हूँ कि देव गुरु धर्म उस दिव्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और वही आत्मा
लगातार मोक्षगामी की ओर अग्रसर हो। मैं अपने परिवार की तरफ से, सेठिया परिवार की तरफ से एवं संपूर्ण समाज की तरफ से, मैं संपूर्ण समाज का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि श्रीमान रायचंद जी चोरड़िया साहब केवल चोरड़िया परिवार से संबंधित नहीं थे, लेकिन लुधियाना का पूरा 13 पंथ परिवार उनका परिवार था और उसे वो अपना परिवार मानते थे। तो मैं पुनः संपूर्ण 13 पंथ समाज परिवार की तरफ से, 13 पंथ युवक परिषद परिवार की तरफ से दिवंगत आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम अरहम। एक मिनट के लिए आराम से किया। एक अपुण्य क्षति है। इस स्मृति सभा में उनके लिए मेरी सच्ची श्रद्धांजलि ये है कि मैं उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर निरंतर चलकर समाज एवं संघ की सेवा करता रहूं। ओम अरहम। पुनः परिवार और संपूर्ण 13 पंथ परिवार की तरफ से मैं उनके चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि यही अर्पित करूंगा कि परिवार और हम सभी मिलकर उनके द्वारा बताए गए मार्गदर्शन पर आगे बढ़कर अपने आप को सच्चे संघ से जोड़कर उनकी उनकी आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि प्रदान करें। ओम अरहम। बहुत बहुत साधुवाद। वंदनीय स्वर्गीय राजचंद चोरड़िया जी की स्मृति सभा में उपस्थित सभी मानवों को मेरा नमस्कार। मैं काफ़ी वक्ताओं को सुन रहा था, उन्होंने उनकी काफ़ी उल्लेख उनके विचारों का, आदर्शों का किया है। एक दो बातें मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो एक ऐसे वक्ता थे जब ट्रांसपोर्ट नगर में उनकी हमारी सभा होती थी तो उन तालियों की जो गड़गड़ाहट थी वो उनके बोलने से पहले उनके नाम के उच्चारण के वक्त ही चालू हो जाता था। निडर और अपनी बात को सरल स्वभाव से साफ साफ रखना उनके स्वभाव में थी। समस्त ट्रांसपोर्ट भाई जितने भी सभी उनको बहुत आदर भाव से उनका सम्मान करते थे, उनको अपने पिता के रूप में पूजनीय आदरणीय हमेशा मानते थे और मानेंगे भी। किसी मंदिर का काम हो, कोई सभा का काम हो, ट्रांसपोर्ट नगर विकास के लिए हमेशा वो तत्पर रहते। उनके मार्गदर्शन से धार्मिक काम में मैं आपको एक उल्लेख करना चाहता हूँ, अपने ही परिवार से संबंधित कि कैसे उनके धार्मिक कामों को देखकर उनके मार्गदर्शन में मेरी धर्मपत्नी जो कि अलग समाज से बिलोंग करते हैं फिर भी उन्होंने उनके मार्गदर्शन में हमेशा ये उनका अपने समाज के प्रति धर्म के प्रति निष्ठा को दर्शाता है। बार बार मुझे प्रेरित करना हर काम के लिए और एक पूरे जो मारवाड़ी हमारा समाज है वो उसको एक बंधन में बांधना चाहते थे। वो चाहते थे कि पूरा मारवाड़ी समाज एक मंच के ऊपर आए, सिर्फ 13 पंथ समाज नहीं। मैं नहीं चाहता ऐसी शख्सियत को हम सिर्फ एक समाज के साथ जोड़ तो सकते हैं लेकिन बांध नहीं सकते। वो सभी के प्यारे थे। मैं उनको उनके उनके चरणों में आज अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका था कि वो 13 पंथ सभा के और सर्वस्थ आत्मा को चीज शांति देवे। भैया तुम्हें जानने की कोशिश मैंने बहुत की और सोचा मेरे भैया तो मेरे भैया ही थे, पता हो पाया तुमने जो कहा वह कर दिखाया। बस के थपे कब जिगा पाया, जब अभियान है वो शब्दों में कहना कठिन ही नहीं है सकते है। ऐसा मैं नहीं आपके काल के घर में गत में चले जाना नियति का खेल निराला है। अचानक आपके इस कार्यक्रम को प्राप्त कर लेने के बाद सुनाए जो सी लेकर मत भैया की बहन लाडली सुनाए ऐसी सुंदर तीनों भैया पाचीनों पर बैठी जाए मैं भी अंकल आंटी मैं उनको नमस्कार करता हूँ। मेरे पास दादू के लिए बोलने के लिए बहुत कुछ है पर समय उतना ही कम। पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। 1 तारीख को मुझे सुबह के समय दादू सपने में दिखे थे। वो इधर ही हॉल में खड़े थे और मुझे विश्वास है आज कि वो आज भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम सबको देख रहे हैं और उनके लिए जितना बोले उतना कम है। आज भी जब मैं ऊपर बैठता हूँ तो उनकी याद आती है, उनको बाहर
सैर करते हुए देखता हूँ और मुझे हमेशा दादी माँ और मम्मी बोलते थे कि मैं पैदा हुई हूँ तब से दादा दादी के साथ बहुत रही। फिर जैसे जैसे बड़ी हुई तो हॉस्टल गई, फिर स्कूल, फिर कॉलेज, इतना टाइम ही नहीं मिला कभी उनके साथ रहने का। अभी इस लॉकडाउन के टाइम में 5 महीने घर रही और दादू को सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हुए देखना, रोज़ कुछ ना कुछ करते देखना, ऐसा लगता था जैसे हमसे ज़्यादा तो दादू काम करते हैं। और दादू को छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी, जैसे अभी होली के टाइम पे मैं घर आई दादू के साथ तो दादू ने सबको इतना ऐसे बताया कि मैं 4 साल से दिल्ली जा रहा हूँ, ये दिल्ली रह रही है, लेकिन कभी मुझे मौका नहीं मिला कि मैं ना पुच्चू के साथ दिल्ली से वापस आऊँ। तो दादू के लिए छोटी छोटी चीज़ें बहुत बहुत मैटर करती थी। हम सबके लिए शायद दादू यहाँ आज नहीं है, पर मैं जितना ये बिलीव करने की कोशिश करती हूँ उतना ही मेरे लिए मुश्किल होता है। तो हम तो यही बिलीव करते हैं कि दादू यही है, यही खड़के हमें शायद सुन रहे होंगे, कहीं ना कहीं जरूर होंगे, हमारे साथ ही होंगे। पुच्चू के साथ तो इतना ज्यादा संबंध था, जब मेरे घर आते हैं वो छोटी पोती को देखते हैं तो बोलते बात जाना हो तो कहीं जाना हो, बिना पुच्चू के कहीं नहीं जाना, और अब पुच्चू ने उनको छोड़ दिया। चलो अब भगवान की मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, हमारे हाथ में होता तो हम छोड़ते। निवेदन करूंगा श्रीमान रायचंद जी की, साली साहिबान श्रीमती सज्जन देवी बर्डिया, सज्जन देवी बर्डिया और कनक पांडिया, जो भी इमाम प्रतीक हो, सज्जन देवी बर्डिया और कनक देवी पांडिया। वंदे गुरु वरम, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है, एकदम। वंदे गुरु वरम उपस्थित धर्म जल वेद, आज मैं सुबह से लुधियाना के लोगों के विचार सुन रही थी, तो मुझे लगता है इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हमारे कंवर साहब कैसे थे। तब मुझे ये याद एक पद याद आता है कि स्तुति अंधकार की नहीं प्रकाश की होती है, स्तुति पतझड़ की नहीं मधुमास की होती है, आरती के दीन और अर्जुन के फूलों ने कहा स्तुति जल की नहीं अपितु रायतों की, जैसे विश्वास की होती है, वही विश्वास जो 50 से भी अधिक कार्यकर्ताओं को जो यदा कदा ही राम संघ के कार्यों से जुड़े थे, और आज वो सभी कार्यकर्ता छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा धर्म संघ का कोई भी कार्य हो तन मन और धन से समर्पित रहते हैं, और वर्तमान में ओमेट का भवन उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, और उसकी भी एक बहुत बड़ी कहानी है। शायद अभी ये समय बहुत कम है, लेकिन जिस ऊर्जा का और जिस हिम्मत और कर्मठता का उन्होंने परिचय दिया वो अत्यंत ही सराहनीय है, और हम सभी के लिए, संपूर्ण समाज के लिए अनुकरणीय भी। जाते जाते कहते हैं उनकी अंतिम इच्छा या अंतिम भावना जो थी वो ये भी थी कि वर्तमान में ये जो भवन है वो खुद की कल्याण केंद्र पे व्यक्ति की इच्छा है, उसके लिए समाज एक छत्र के नीचे इकट्ठा होकर के इच्छा को पूर्ण करेगा, यही मेरी मंगल कामना है। कहते हैं कि जीवन लंबा हो ना हो बड़ा अवश्य परिवार ने अपने प्रियजनों को छीन लिया, हमने भी एक ऐसे सदस्य को खोया है जिसकी पूर्ति संभव नहीं हो। उनके अपने परिवार व पूरे समाज के प्रति जो जागरूकता थी वे बिरली ही दिखती थी, सादा जीवन उच्च विचार उनका आदर्श था। मैं स्वयं विभिन्न का सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेते थे, सदा सैदव हमें भी प्रेरणा देते थे, सही माने में वे एक पथ प्रदर्शक थे, हमें सैदव उनकी कमी महसूस हो, उनके आगे की मंगलमय यात्रा के लिए प्रार्थना करते हैं एवं संकल्प लेते हैं कि हम सभी उनके अधूरे प्रकल्पों को पूरा करें। अब मैं निवेदन करूंगा परिवार के आदरणीय श्री रायचंद जी चौड़िया के भाई छोटे भाई नौरतन मल जी की चरणों में सादर वंदन। राय सिंह से रायचंद यादों के अमर जनक याद गणी माने आज
बाकी जो सदाचारी प्यारी खाना स्वर्गीय पिताजी श्री फूलचंद जी मातु श्री रत्नी देवी चौरड़िया की छठी संतान सरल मना सिंह पुरुष विशाल हृदय के स्वामी मेरे बड़े भाई श्री रायचंद जी का सर्वगारोहण हमारे सभी परिजनों एवं जैन समाज सहित संपूर्ण समाज के लिए अपुण्य क्षति है। भाई जी श्री रायचंद जी के द्वारा समाज के हर वर्ग के लिए किए गए कार्यों का व्याख्यान करना शब्दों में संभव नहीं है। मैं परिजनों खासकर भाभी जी श्री पुखराज देवी चौरड़िया एवं श्री रूपेश से अनुग्रह करता हूँ कि भाई जी के द्वारा समाज के लिए शुरू किए गए सभी कार्यों को संपूर्णता तक ले जाने में हर संभव प्रयास करें। भाई जी श्री के द्वारा स्थापित आदर्शों का पूर्णतः पालन हो उन्हें ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। चारों भाई और चार बहनों में सबसे कर्मठ हैं सभी इच्छा शक्ति के मालिक। भाई जी श्री बड़ों का आदर एवं छोटों का प्यार भरा उलावना हमें सभी परिवारजनों को सदा याद आता रहेगा। परिवार में समाज में ऐसी कोई समस्या नहीं थी जिसका समाधान भाई जी के पास न था। हर विषय की गंभीरता से विवेचना कर हंसते हंसते संपूर्ण सही समाधान देने में उन्हें महारत हासिल थी। व्यापार के हर क्षेत्र के महारथी भाई जी श्री ने अपने व्यापार को उत्तम शिखर तक ले जाने में अपनी बुद्धि कौशल का भरपूर उपयोग किया। श्री रूपेश उनके व्यापारिक गुणों के साथ उत्तर तक प्रगति कर रहे हैं। जो उनके शुरुआती समय से ही ट्रांसपोर्ट व्यापार से लगा रहा जो जीवन में अंतिम समय तक लगा रहा लोग भाई जी को ट्रांसपोर्ट का पितामह कहते हैं। ईस्ट इंडिया ट्रांसपोर्ट में भाई जी ने लंबा समय दिया। देवलोकगामी साधु श्री कुशल रेखा जी की दीक्षा हो या फिर भांजी महाराज साधु श्री तो ऐसा जी की दीक्षा का प्रसंग हो दोनों में ही भाई जी का विशेष योगदान रहा। साधु श्री कुशल रेखा जी के भाई जी पर विशेष स्नेह एवं विश्वास प्राप्त था। आचार्य श्री मां श्रवण जी का मध्यस्थ भाई जी पर सदैव रहा। पावन जन्म श्री सदार शहर के चौड़िया परिवार ने भाई श्री रायचंद जी के रूप में अपने आंगन का 6 आधार पेड़ खो दिया है। अब इस पेड़ की मिट्टी मिट्टी छाया एवं हवा के सड़के यादों में ही निपट कर रह जाएंगे। भाई जी श्री के हंसमुख स्वभाव के जीवन भर तस्त रहेंगे। भाई जी श्री की आत्मा को आध्यात्मिक उन्नति की कामना के साथ सादर नमन करता हूँ एवं उपस्थित सभी महान भावों को सदा साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। नमो अरहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो उवध्यायानं नमो लोये सब्बसाहूणम् एसो पंच नमोकारो सब पाव पनाशनो मंगलानं च सब्देशि पधमं हवई मंगलम चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारी शरणं पवज्जान अरहंते शरणं पवज्जान सिद्धे शरणं पवज्जान साहू शरणं पवज्जान केवलिपन्नतम धम्मं शरणं पवज्जान धम्मो मंगल मुक्तिर्थं अहिंसा संजमोतवो देवावितं नमंसंति जस्सधम्येश
सयामनो च इत्ता भारहं वासं चक्कवत्ती महिद्धियो संति संति करीलोए पत्तो वैमनुत्तरं देव दानव गंधब्बा जख रखस किन्नरा बंधयारिं नमं संति दुक्करं जे करंतितं मंगलं भगवान दीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूल भद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलं मंगलं मतिमान भिक्षुः मंगलं भारमंगलं मंगलं राय चंद्राद्यः मंगलं तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मंगलं तीरापंथोस्तु मंगलं विघ्नहरण मंगलकरं स्वामभिक्षुनो नाम गुण ओलख स्मरण किया त्याग आज आज के लिए धारणा अनुसार क्या को सादर जय जिनेन्द्र